ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस स्टेटमेंट है। मैं मैक्सिमम 2 से 3 सवाल लूंगा, उससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं लूंगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ प्रेस स्टेटमेंट, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस स्टेटमेंट है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दैट। और अगर 2-3 सवाल है तो मैं 2-3 सवाल लूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। थैंक यू। कैन आई स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें। टुडे वी हैव हैड अ मीटिंग विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह, एंड इन द मीटिंग वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा। वी हैव ऑल्सो मेट एंड प्रपोज आवर डिमांड्स बिफोर, एंड द ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज काइंडली अग्रीड to look into the problems of the indigenous people of Tripura and start a constitutional solution for our problems. He has also assured myself, my party president, and my MLAs that there will be a constitutional solution to our problem, and he will be appointing through the government of India an interlocutor in the next 2-3 days, and this constitutional solution for our problems of the indigenous people of Tripura will be within a time frame. मैं ये बात हिंदी में बोल देता हूं। आज मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से हुआ, और अमित शाह जी से अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत लंबा मीटिंग हुआ। उनको हमारा प्रॉब्लम के बारे जानकारी है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमारे तिपरासा लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के लिए एक इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करेंगे, जैसे यही इंटरलोकेटर नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही ईस्टर्न नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही अ सिमिलर अरेंजमेंट विल बी डन टू सॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा। वी थैंक हिम फॉर लिसनिंग टू अस, एंड वी थैंक हिम फॉर एक्सेप्टिंग दैट देर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा, और उसका सोल्यूशन, संवैधानिक सोल्यूशन जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम के अंदर वो करेंगे। ये बात आज हमारा हुआ है। आई थैंक द होम मिनिस्टर कि उन्होंने हमें समय दिया, हमारा हमसे बात की, और ये जो आज बात हुआ है इसका पॉजिटिव आउटकम है कि एक इंटरलॉक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होगा अंडर होम मिनिस्ट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन का प्रॉब्लम का इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक सोल्यूशन निकालकर हम आएंगे। ये मैं आपको खबर करना चाह रहा था। अगर आपके पास 2 या 3 सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा, अदरवाइज आई वुड लाइक टू कीप दिस एज शॉर्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एनी रिटन एश्योरेंसेस केम फ्रॉम द, थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन के बारे में पूछ दिया है कोई जो पूछ, ठीक गवर्नमेंट में रहेंगे आप, ठीक आपने चार, मैं तभी भी बोल दे रहा हूं। सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑफिशियली अपॉइंट एन इंटरलॉक्यूटर विच टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। सो इट इज इन राइटिंग बिकॉज ऑफिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट एन इंटरलॉक्यूटर फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। सो ये राइटिंग में है। सेकेंड है, आपने कहा कि क्या मैं गवर्नमेंट में बैठ रहा हूं? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे। लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है, ये बात 13 से 14 लाख तिपरासा को सोल्यूशन देने का है। तो नहीं, जब तक ये सोल्यूशन नहीं आएगा
हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। और तीसरा क्वेश्चन था आपका, ये पॉइंट्स जो है ये इंटरलॉक्यूटर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत पॉइंट्स होगा, और जो भी पॉइंट्स होगा ट्रांसपेरेंट होगा, पब्लिक के नॉलेज में होगा और पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा, स्टेट के बेनिफिट के लिए होगा और किसी के अगेंस्ट भी नहीं होगा। मैं फिर से, ये आपने कहा तीन सवाल था, मैंने क्लियर ऑनेस्ट डायरेक्ट जवाब दे दिया है आपको। हम पब्लिक का विश्वास से आए हैं, हम पब्लिक का विश्वास को रखना चाहते हैं और हम अपना बारे बात नहीं करना चाहते हैं। पहले उनका समस्या का हल हो जाए, उसके बाद हम पॉलिटिकल अपना पॉलिटिकल बात करेंगे। फर्स्ट द पीपल शुड बी हैप्पी, द पीपल शुड गेट व्हाट दे वांट एंड पीपल्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी पर्सनल कैबिनेट पोर्टफोलियोज और एनी गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग, वी आर टॉकिंग फॉर द पीपल्स प्रॉब्लम। आई थैंक द होम मिनिस्टर, आई थैंक द चीफ मिनिस्टर हु वाज प्रेजेंट एंड ऑल द अदर लीडर्स हु वर प्रेजेंट फॉर दिस मीटिंग। एंड आई थिंक जैसा ईस्टर्न नागालैंड में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन का बात निकला है, वैसे ही त्रिपुरा में अब निकलेगा। एंड ये विल बी, आप देखिए पहले से बहुत अलग है। जब IPFT के संग अंडरस्टैंडिंग हुआ था, कमिटी बना था, ये कमिटी नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड त्रिपुरा मोथा है। ये कमिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग होगा कोई टू पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा मोथा और हमारे समाजपति के साथ होगा। तो ये बात क्लियर है और इसी बात को मैं सामने रखकर आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इन द मीडिया। आई अपील टू एवरीवन दैट काइंडली यू हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। देयर शुड बी नो सेंसेशनलिज्म ऑफ दिस न्यूज। वी हैव अचीव्ड अ लॉट, वी हैव अचीव्ड इट विद पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स। And we would like Tripura to remain peaceful and as democratic as possible. Thank you. मैंने बोला था तीन सवाल, मैंने तीन सवाल का जवाब दे दिया। Thank you. समाजपति भी involved होंगे। We'll take all civil society into consideration. हाँ, thank you.